अचानक घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उन्हें स्टार्टर में क्या अच्छा खिलाएं, तो लीजिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अनियन सूप की रेसिपी। जी हाँ, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्याज चाहिए और मेहमान आ रहे हैं तो पनीर हम उन्हें सर्व कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस अनियन पनीर सूप की रेसिपी। बहुत ही क्विक बन जाता है ये और बहुत टेस्टी सूप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेस्टी कुजीन चैनल को और बेल आइकन को हिट करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस सूप को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्याज। प्याज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिया है। प्याज को आप जितना बारीक कट कर सकते हैं उतना बारीक काट लें। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ पनीर। पनीर हम ऊपर से सर्व करेंगे तो मैंने पनीर को छोटे क्यूब्स में कट किया है। आप चाहें तो बड़े या फिर और छोटे क्यूब भी काट सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में बटर ले लिया है। ये सूप बटर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी खाने का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलिए बटर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की आँच ऑन करके हल्के फ्लेम पे इसे हम धीरे धीरे गर्म होने रखेंगे और हमें बटर को पूरा मेल्ट नहीं करना है। जैसे ही बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होता है तो तुरंत ही इसमें मैं डाल दूंगी अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जब बटर हमारा ठंडा होता है तो वो जो सारे मसाले हम इसमें डाल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक। अदरक को मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। एक छोटी सी हरी मिर्च मैंने यहाँ पे यूज़ की है और एक छोटा इंच ही मैंने यहाँ पर अदरक का पीस लिया है। अब जैसे जैसे बटर हमारा गर्म होगा तो इन दोनों अदरक और मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छे से इसके अंदर आते जाएगा। चलिए इन्हें सॉटे कर लेंगे। 2 से 3 सेकेंड इसे सॉटे करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी प्याज। प्याज को भी जब हम बटर में सॉटे करते हैं मीडियम फ्लेम पर तो उसका जो मीठा फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छे से उभर करके आता है, जो हमारे सूप को बहुत टेस्टी बनाता है। अब चलिए प्याज को हम धीमी आंच पे हल्का हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसको हमें हल्का सा गुलाबी होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है प्याज को हमें। चलिए मैं अपनी प्याज को पका लेती हूँ। गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया के डंडे वाला पार्ट। इसमें धनिया के पत्ते नहीं डालना है, जो डंडी वाला पार्ट होता है वो डालना है। इसे बारीक कट करके इसमें डालें, इससे सूप में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और जो डंडियों की खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है इसमें। तो चलिए अब इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम हल्दी में आँच पे सॉटे कर लेते हैं। हमारी प्याज जो है अच्छे से गुलाबी होकर के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हल्का सा उसमें रेडिश कलर भी आना शुरू हो गया है। तो बस अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी पानी। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। आप जितना ज़्यादा सूप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप प्याज और पानी की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। 1.5 कप पानी यूज़ करने से हमारा जो एक बड़ा बाउल का सूप होता है वो बन करके रेडी हो जाएगा। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। पानी को अब हमें इसे गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कोई भी सूप जब हम बनाते हैं तो उसे गाढ़ा करने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका एक अच्छा सा पतला सा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, गठाने नहीं पड़नी चाहिए। देखिए इस तरीके से कुछ इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। अब धीरे धीरे इसे मैं पानी में डालती जाऊँगी जिससे हमारा सूप है वो गाढ़ा होते जाएगा। आप देखेंगे जैसे हमने कॉर्नफ्लोर पूरा डाला है धीरे से हमारा सूप जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब बस इसमें 1 उबाल आने देंगे। सूप बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर की गार्निशिंग, मतलब कि पनीर, फ्रेश कोरिएंडर मतलब धनिया के पत्ते और काली मिर्च। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमारा सूप रेडी हो गया है। मैं एक एडिशनल चीज़ डाल रही हूँ इसमें, वाइट विनेगर। वाइट विनेगर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बिना भी हमारा सूप बहुत अच्छा टेस्ट करता है। बस अभी इसे 1 बार तेज आँच करके उबाल ला दीजिए और फिर हमारा सूप रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आई एम श्योर आपको ये सूप बहुत पसंद आने वाला है और ये बहुत ही क्विक बन जाता है, तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।